हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इंडिया में हुए लॉकडाउन के बाद आई होप कि आप सभी अपने घर में ही होंगे, तो इसलिए मैं आपके लिए एक ऐसा कंटेंट लाया हूँ जो आपके बहुत काम आने वाला है। और ये वीडियो अभी इसलिए आपके काम का है क्योंकि ये काम आपको आपके घर में बैठ कर ही करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैप्स के बारे में या मैप्स के फीचर के बारे में। तो जैसे कि ये हमारा गूगल मैप होता है, तो इसमें आप देखते रहे हैं बहुत सारी, मतलब जब भी आप मैप ओपन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाई देती है, जैसे कि बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स रहते हैं, या जैसे कि यहाँ पर ये पेट्रोल पंप दिख रहा है मैप में। तो ये सब कहाँ से ऐड होता है, मतलब कि मान लीजिए कि आपको अगर किसी का एड्रेस ढूंढना है तो आप मैप पे जाते हैं, और अगर किसी भी रेस्टोरेंट हो गया या हॉस्पिटल हो गया या जो भी चीज़ को आपको सर्च करना होता है तो वो इस तरह से आपको इसका, जैसे कि ये आइकन दिख रहा है वैसे ये दिख जाता है। जैसे कि ये एक मंदिर है तो इस पे ओम लिखा हुआ आ रहा है। तो ये आप कैसे अपने घर का एड्रेस, अगर आपको अपने घर का एड्रेस डालना है तो आप कैसे डाल सकते हैं, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको जाना है यहाँ पर, आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है कंट्रीब्यूट का, तो आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर एट प्लेस का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पर एट प्लेस पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद में यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर नेम पूछ रहा है, तो आपका अगर कोई रेस्टोरेंट है या जो भी मेडिकल है या जो भी मेडिकल स्टोर या शॉप का नाम है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। और उसके बाद में आपको यहाँ पर कैटेगरी दिख रही है। कैटेगरी में क्या है कि जैसे कि रेस्टोरेंट है तो आप रेस्टोरेंट को सिलेक्ट कर लीजिए, अगर कोई स्कूल है आपका तो आप स्कूल भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और कैफ़े, बहुत सारी इसमें मतलब कैटेगरी है अलग अलग। तो अगर आपका जो भी मतलब शॉप वगैरह है तो आप इसमें से कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में जैसे कि अभी मैं रेस्टोरेंट कर लेता हूँ और यहाँ पर नेम डाल देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर ये एड्रेस का पूछ रहा है। अगर आपको, आप मतलब आप अभी अपनी लोकेशन पर बैठे हैं और आपको अपनी लोकेशन का ही एड्रेस देना है, मतलब आपका जो जो भी रेस्टोरेंट है या शॉप है, तो अगर आप वहीं पर ही बैठे हैं अभी फिलहाल में, तो आप यहाँ पर लोकेट कर लीजिए, आपकी जो करंट लोकेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि मैं अभी कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर कर दिया है, मैं भी यहाँ पर हूँ। तो उसके बाद में मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा। ओके करने के बाद में यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट होने के बाद में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये पूछ रहा है, जैसे कि कोई भी रेस्टोरेंट होता है या कोई भी शॉप वगैरह होती है तो वो या तो संडे को बंद होती है या जो भी वीक में कभी भी बंद रखते हैं, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि कब कब ओपन होगी और कब कब बंद रहेगी। तो यहाँ पे 8 आवर्स है, तो जैसे कि संडे को बंद रहेगी तो आप संडे पे क्लिक मत कीजिए, मंडे। यहाँ पे आप टाइम भी दे सकते हैं, अगर 24 आवर्स आपका शॉप या जो भी है वो खुला रहता है तो आप यहाँ पर भी चेक मार्क लगा दीजिए, और नहीं तो इसको हटा दीजिएगा। यहाँ पर आप टाइमिंग चेंज कर सकते हैं कि आपकी शॉप कब ओपन होती है कब बंद होती है, तो यहाँ से आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब दूर आप चेक मार्क लगा दीजिए, और अगर आपका संडे को भी खुला रहता है तो आप संडे को भी चेक मार्क लगा दीजिए यहाँ पर। तो इन सबको सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर डन करना है। टाइमिंग आप आपके हिसाब से सेट कर दीजिए कि आप कब अपनी शॉप को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, तो जब भी ये गूगल अपडेट करेगा तो आपका टाइमिंग भी शो करेगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर आपका खुद का वेबसाइट है तो वो भी यहाँ पर ऐड करा दीजिए, अगर वेबसाइट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी ऐड कराएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में आप यहाँ पर ओपनिंग डेट, जैसे कि आपकी जो शॉप है वो कब ओपन हुई है, तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर आप अपनी शॉप का या रेस्टोरेंट जो भी है उसका फ़ोटो ऐड करा सकते हैं, तो जब भी कोई आपके शॉप वगैरह को अगर सर्च मारेगा तो आपके जो रेस्टोरेंट है या शॉप जो भी है, मेडिकल स्टोर्स वगैरह, तो वो सब यहाँ पर शो होगा, उसके फ़ोटोज़ जो हैं वो भी शो होंगे। तो अभी मैं बैक आ जाता हूँ।
बिग होने के बाद में आपको यहाँ पर सेंड का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पे सेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये पूछ रहा है शॉप फ्रंट फोटो विल हेल्प गूगल वेरीफाई टू सबमिशन, तो आप फ्रंट का फ़ोटो सेंड कर दीजिए। वैसे अभी मैंने कुछ भी क्लिक नहीं किया है इसलिए वो ऐसा मांग रहा है, अगर आप फ़ोटो सेंड करते हैं तो वो वहाँ पर नहीं पूछता है, तो अभी मैं नो कर देता हूँ। नो करने के बाद में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक्स फॉर शेयरिंग एंड हेल्पिंग अदर्स ऑन गूगल मैप्स, मतलब कि आपने अपना एड्रेस गूगल पे मैप्स पे अपडेट किया है, तो वो अब वो थैंक्स बोल रहा है गूगल मैप्स आपको कि आपने अपना मतलब जो शॉप है या रेस्टोरेंट जो भी है उसका एड्रेस आपने गूगल मैप्स पे अपडेट किया है, तो उससे बहुत सारों को आसानी होगी आपका एड्रेस ढूंढने में। तो इससे ये होगा कि अगर आपका कोई भी शॉप है या होम है, तो अगर आपको किसी को एड्रेस देना है आपकी शॉप या रेस्टोरेंट का, तो आप उसको इस तरह से मतलब बता सकते हैं कि हाँ मेरा शॉप है, आप मैप पे सर्च कर लीजिए तो वहाँ पर वो आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया बहुत सारी शॉप है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि ये BOI का बता रहा है, यहाँ पे रेस्टोरेंट का ये वाला आइकन आता है यहाँ पर, और BOI ATM भी है, तो यहाँ पर ये जनरल स्टोर्स आ रहा है, तो ये ऐड करा देंगे तो आपका जो भी एड्रेस है उसको ढूंढने में सामने वाले को बहुत आसानी रहती है। तो बस यही आपको बताना था, ये कम से कम 3 से 4 दिन में अपडेट हो जाता है और थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और बहुत सारी बार 1-2 दिन में भी कंप्लीट हो जाता है। तो पहले वो गूगल वेरीफाई करता है, उसके बाद में वो कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आप अपनी शॉप या रेस्टोरेंट का गूगल मैप्स पे अपडेट कर सकते हैं एड्रेस को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।